चलिए गुड मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में अमानक दवाइयों की सप्लाई को लेकर मध्य प्रदेश चिकित्सा महासंघ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को अब पत्र लिखा है। पत्र में चिंता जताते हुए महासंघ ने लिखा कि जीवन रक्षक दवाओं का अमानक पाया जाना मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। चिकित्सा संघ ने मुख्यमंत्री से अमानक दवाएं सप्लाई करने वालों को आजीवन कारावास के कठोर दंड के नियम की मांग भी की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रदेश के शासकीय अस्पताल में इस्तेमाल हो रही 10 जीवन रक्षक दवाएं अमानक पाई गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, हाल ही में हमने देखा था किस तरीके से अमानक दवाएं पाई गई थी, उसके बाद रोक के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन अब महासंघ की तरफ से पत्र लिखा गया है, चिंता यहां पर जाहिर की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, चिंता होनी भी चाहिए और यही वजह है कि महासंघ ने पत्र भी लिखा है, अब तक की बात की जाए तो कितनी दवाएं अमानक पाई गई है? देखिए, एक दर्जन से अधिक जो दवाइयां हैं वो अब तक अमानक पाई जा चुकी हैं, और लगातार एनडीटीवी ने विशेष तौर पर इन खबरों को जनता के सामने रखा और ये भी बताया है कि कौन सी जो लाइफ सेवियर इंजेक्शन हैं, जो आईसीयू में अमूमन इस्तेमाल होती हैं, ये आईसीयू में इस्तेमाल होने वाली लाइफ सेवियर इंजेक्शन तक अमानक पाई गई है, जिनके इस्तेमाल पर बीते दिनों रोक लगाया गया था। बीते 15 दिनों में 4 बार ऐसा हुआ है जब मेडिकल हेल्थ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अमानक दवाओं की सप्लाई पर रोक लगाने के लिए जिलों में स्थित अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को ये कहा है। तो ये वाकई में चिंताजनक है। अब मध्यप्रदेश के जो शासकीय चिकित्सक महासंघ है, इस संघ ने ये मांग की है कि इस पूरे मामले में, यानी कि जो अभी बीते दिनों में अमानक दवाओं की सप्लाई हुई है, उनके इस्तेमाल पर रोक लगी है और इसका जो अनुबंध है, यानी कि जो कंपनियां इसे बना रही उनके डायरेक्टर पर FIR दर्ज की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके साथ ही ऐसा नियम बनाया जाए जिसके तहत अगर इस तरीके से अमानक दवाइयों की सप्लाई होती है तो सप्लाई करने वाली कंपनियों पर कठोर कार्रवाई, उसके साथ ही आजीवन कारावास तक की सजा का जो प्रावधान है वो सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि 15 दिन में 4 बार अगर ऐसा होता है और वो इंजेक्शन जो आपके सांस जो चल रही है, हार्ट बीट जो चल रही है, उसे वापस लाने के काम आती है, अगर उस इंजेक्शन को पेशेंट को दिया जा रहा है आईसीयू में, वो इंजेक्शन असर नहीं कर रहा है, कई बार ऐसे मामलों में पेशेंट की मौत तक हो जाती है और बकायदा जो सरकारी अस्पतालों में दवाइयां सप्लाई हो रही है उनकी लैब में टेस्टिंग कराई गई है और उस लैब टेस्टिंग में दवाइयां अमानक पाई गई हैं, जिसके बाद इन अमानक दवाइयों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कहा गया। ORS ये घोल है और इस घोल को एडल्ट से लेकर बच्चे तक, इसके अलावा बुजुर्ग सभी को डिहाइड्रेशन की स्थिति में ये घोल दिया जाता है, लेकिन ये घोल भी अमानक है, खराब है, जो MP में सप्लाई हुई है। तो सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है कि ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए सतर्क रहने की भी जरूरत है और ऐसे मामलों में ये तय किया जाए कि आने वाले समय में अमानक दवाइयों की सप्लाई ना हो, ये भी बहुत जरूरी है और शासकीय चिकित्सा संघ इसी बात की मांग कर रहा है, क्योंकि ये सरकारी डॉक्टरों का एक संघ है जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं और ये सरकारी डॉक्टरों ने भी जांचा है कि मरीजों को दवा देने के बाद वो दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, जिनका तुरंत इंजेक्शन दिया जाता है तो इंजेक्शन का तुरंत आपको इफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन जब ये बीते दिनों इंजेक्शन सप्लाई हुए, जिन्हें लाइफ सेवियर इंजेक्शन कहा गया, इनकी सूची करीब 9 की है, अगर इन 9 इंजेक्शनों को जब इस्तेमाल किया गया तो पेशेंट्स पर इसका असर नहीं दिखाई दिया, बकायदा इसकी जांच कराई गई और फिर ये पत्र लिखा गया कि ये दवाइयां ठीक नहीं है। इसके बाद पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इन दवाइयों के इस्तेमाल पर रोक लगाया था। अब चिकित्सक संघ भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुका और इस पत्र के माध्यम से मांग की गई है कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ ही कठोर, यानी कि आजीवन कारावास तक की जो सजा का प्रावधान है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चलिए आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। कुछ और बड़ी खबरें हैं, दर्शकों को अपडेट करवा दे। देखिए, भोपाल से एक और बड़ी खबर, सीएम मोहन यादव कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजस्थान के झालावाड़ जाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव, और मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। तो बता दें कि झालावाड़ और इंदौर वो जाने वाले हैं और सुबह 11:30 बजे बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोटरी क्लब उज्जैन की तरफ से जो इंटरसिटी साक्षरता कार्यक्रम है उसमें भी वो शिरकत करने वाले हैं।
और हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। एक बार फिर से आकाश का रुख करें तो आकाश, मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात की जाए तो आज उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेगी, विस्तार से जानकारी दें। देखिए, आज राजस्थान के झालावाड़, इसके साथ ही मध्यप्रदेश के इंदौर, इन दो जगहों पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सबसे पहले सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरसिटी साक्षरता अभियान में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री झालावाड़ के लिए रवाना होंगे और यहाँ स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री वहां से सीधे इंदौर पहुंचेंगे, जहां अहिल्या उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। गांधी भवन मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और देर शाम भोपाल लौटेंगे। तो कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री का दो जगहों का दौरा है। राजस्थान मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, इसके अलावा इंदौर पहुंचेंगे और यहां अहिल्या उत्सव में शामिल होंगे। राजनीतिक कार्यक्रमों की बात की जाए तो किसी तरह के कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी क्या आकाश देखने को मिलेंगे? देखिए, फिलहाल राजनीतिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री का तय नहीं है। जो मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम जारी हो, उस कार्यक्रम के मुताबिक झालावाड़ा में स्थानीय कार्यक्रम का जिक्र है। तो संभवतः मुख्यमंत्री राजस्थान पहुंचते हैं तो यहाँ राजनेताओं से, जो राजस्थान के नेता, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। मध्यप्रदेश और राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो फिलहाल मुख्यमंत्री के किसी तरह के आज के लिहाज से नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी के लिए।